हे ईश्वर, और कब तक चलेगा ये सब? मैं आपको नहीं मानता। आपने कभी मेरी आवाज सुनी ही नहीं। या अल्लाह, रहम कर, अब बर्दाश्त नहीं होता। ओ गॉड, फॉरगिव मी, आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर। हे भगवान, दया करो, आपसे मदद की भीख मांगता हूं। बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मुझसे मांगना नहीं है, तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो। मैं प्यार का सागर हूं, तुम मेरे बच्चे हो। मैं शांति का सागर हूं, तुम मेरी संतान हो। मैं सर्वशक्तिवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ तुम भूल चुके हो, मुझे भूल गए, खुद को भी नहीं पहचानते। मीठे बच्चे, तुम कौन थे, क्या बन गए हो और अब क्या बनने वाले हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी दुनिया, ये सृष्टि एक रंगमंच है। तुम यहां अपना पाठ बजाने आते हो, लेकिन तुम रहते तो मेरे साथ थे। परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम, ये स्वीट साइलेंस होम मेरा और तुम सभी आत्माओं का घर है। लाडले बच्चे, 5000 वर्ष पहले अपने घर परम धाम को छोड़कर तुम इस साकारी दुनिया में आते हो। सृष्टि पर कर्म करने के लिए तुम्हें ड्रेस पहननी पड़ती है। तुम शरीर रूपी चोला पहनते हो। बच्चे, जैसे तुम्हारी दुनिया में सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे का चक्र है, बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी 365 दिन का चक्र है, ऐसे ही तुम्हारी सृष्टि पर एक 5000 साल का चक्र होता है, जिसे सृष्टि चक्र, काल चक्र कहते हैं। इस सृष्टि चक्र में भी 4 भाग हैं। आओ, तुम्हें सृष्टि चक्र का और उसमें तुम्हारे पाठ का राज सुनाता हूं।
मीठे बच्चे, देखो अपनी सृष्टि चक्र के पहले युग को। दिव्यता, प्यार, सुख, आनंद, एकता, इन गुणों से संपन्न है ये युग। जैसे तुम वैसी तुम्हारी दुनिया। तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारी सृष्टि का आधार है। तुम्हारा शरीर निरोगी कंचन काया है। प्रकृति तुम्हारी संपूर्ण सहयोगी है। सदा बहार मौसम है। तुम रत्न जड़ित महलों में रहते हो। चारों ओर केवल सौंदर्य और संपन्नता है। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति है। तुम्हारे संकल्पों में पवित्रता की शक्ति है। तुम संकल्पों से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हो। तुम पुष्पक विमान में उड़ते हो। विमान तुम्हारे संकल्पों से चलता है। संतान योग बल से, यानी संकल्पों की पवित्रता से होती है। ये अमर लोक है। तुम लगभग 150 वर्ष बाद स्व इच्छा से अपना शरीर रूपी चोला छोड़ नया चोला लेते हो। ये समय तुम्हारी सृष्टि की सुबह है। 1250 वर्ष का समय काल चक्र का पहला युग सतयुग है। परम धाम से और आत्माएं तुम्हारी दुनिया में आती हैं, तुम्हारी ही तरह अपना पाठ बजाने। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी दुनिया में जनसंख्या बढ़ती जाती है। मीठे बच्चे, तुम अपनी दुनिया में इतने खुश रहते हो कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। बच्चे, याद आया, ये तुम ही थे। ये तुम्हारी ही कहानी है। सतयुगी सुबह के बाद सृष्टि की दोपहर शुरू होती है। समय बीत रहा है। तुम पवित्र आत्मा अपनी दुनिया में
आनंद में हो। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर भी तुम्हें याद है कि तुम आत्मा हो और तुमने शरीर पहना हुआ है केवल सृष्टि पर अपना पाठ बजाने के लिए। तुम्हें याद है कि पवित्रता, शांति, प्यार, शक्ति, सुख, ज्ञान और आनंद तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा संस्कार है। सृष्टि पर हर आत्मा दिव्य है, देवता है। ये त्रेता युग है, याद आया बच्चे? सतयुग और त्रेता युग में तुम ही थे। स्वर्ग, जन्नत, हेवन, बहिष्ट, वैकुंठ, तुम आज भी इस समय को याद करते हो, क्योंकि तुमने सृष्टि पर स्वर्ग को अनुभव किया है। त्रेतायुग के अंत तक सृष्टि चक्र के 2500 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इतने समय से कर्म करते हुए तुम्हारी शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है। बच्चे, अब तुम्हारी सृष्टि की शाम शुरू होती है, जिसे द्वापर युग कहते हैं। अब तक सब कुछ एकता के सूत्र में था, एक सत्य धर्म था, लेकिन द्वापर से द्वैत शुरू होता है। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, सुख और दुख। तुम्हारे घर परम धाम से निरंतर आत्माएं, तुम्हारे भाई सृष्टि पर आते रहते हैं। सृष्टि की संख्या बढ़ती जाती है। तुम आत्मा खुद को भूलना शुरू करते हो। तुम अपने शरीर को ही अपनी पहचान समझने लगते हो। इसे देह अभिमान कहते हैं। बच्चे, तुम दूसरों के शरीर की तरफ आकर्षित होते हो। ये काम विकार की शुरुआत है। संकल्पों की पवित्रता कम हो रही है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार धीरे धीरे तुम्हारे संस्कार बनते जा रहे हैं। बच्चे, जैसे शरीर कमजोर होता है तो बीमारी आती है, इसी तरह आत्मा की कमजोरी शुरू होती है तो दुख, चिंता का पहला अनुभव होता है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें मेरी याद आती है, अपने परम पिता की याद आती है, जिनके स्नेह और शक्ति की छाया में तुम परम धाम में रहते थे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद है कि मैं निराकार हूं, ज्योति हूं, शांति का सागर हूं। तुम मुझे याद करने के लिए मेरे चिन्ह की स्थापना करते हो, शिव ज्योतिलिंग। खुद को साकार शरीर समझने के कारण मुझ निराकार को भी साकार में ढूंढना शुरू करते हो।
तुम्हें सतयुग की याद आती है। तुम अपने पूर्वजों की मूर्ति स्थापन करते हो, उन्हें मेरा स्वरूप समझ सुख और शांति के लिए उनकी आराधना करते हो। मीठे बच्चे, तुम भूल गए हो कि तुम ही सतयुग में दिव्य आत्मा थे। शरीर रूपी चोला बदलते बदलते तुम द्वापर युग में पहुंचे हो। समझ आया बच्चे, तुम किसकी पूजा करते हो? ये वो समय है जब परम धाम से श्रेष्ठ महान आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए सृष्टि पर आती हैं। ये पवित्र आत्माएं तुम्हें शांति और सुख का रास्ता दिखाने, तुम्हें तुम्हारी पहचान और मेरी याद दिलाने के लिए आती हैं। तुम बच्चे अनेक रूपों में मुझे ढूंढ रहे थे। ज़ोरोएस्टर और इब्राहिम आए और भगवान एक है, ज्योति है का संदेश तुम्हें दिया। मोसेस को ज्योति का साक्षात्कार हुआ और तुम्हें भगवान के निराकार ज्योति स्वरूप को याद करना सिखाया। मोहम्मद सृष्टि पर आते हैं, कुरान से तुम्हें शिक्षा मिली। قل هو الله احد لم يلد ولم يولد। गौतम बुद्ध ने आकर तुम्हें सद्भावना का महत्व सिखाया। sangi chomden degi doari do pamche lo kanawa be shedang nagel timuk tadok maya। जीसस क्राइस्ट आए और तुम्हें मेरी शिक्षाओं पर चलना सिखाया। गॉड इज लाइट, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन दैट दे मे सी योर गुड डीड्स एंड प्रेज योर फादर इन हेवन। महावीर ने आकर तुम आत्मा हो ये याद दिलाया। आत्मवत सर्वभूतेषु। शंकराचार्य आए और तुम्हें द्वैत से पुनः अद्वैत की तरफ जाने का मार्ग बताया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मीठे बच्चे, मेरे ये विशेष बच्चे परम धाम से आए थे तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए, लेकिन तुम उनसे ही जुड़ते गए। पवित्रता, सत्यता, प्यार, तुम्हारा स्वधर्म, वो तुम्हें याद दिला रहे थे, लेकिन तुम अनेक धर्म बनाने लग गए। वो तुम्हारी एकता को बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन तुम धर्म, राज्य, संस्कृति, भाषा के आधार पर एक दूसरे से दूर होने लगे। उनकी शिक्षाएं एक थी, लेकिन तुम शिक्षक से जुड़ने के कारण अलग अलग मान्यताओं में बट गए। तुम्हारी सृष्टि भी तुम्हारी स्थिति के अनुसार परिवर्तन होती जा रही है। बच्चे, याद आ रहा है, ये तुम्हारा ही इतिहास है। द्वापर युग पूरा हुआ, अब तुम्हारी सृष्टि का चौथा युग शुरू होता है, जिसे तुम कलयुग कहते हो।
1250 वर्ष के इस युग में परम धाम की सभी आत्माएं सृष्टि पर आ जाएंगी और जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। बच्चे, तुम शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हो, ये अब तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। अपने शरीर, नाम, धर्म, जाति, रिश्ते, औधे, संपत्ति, इसी को अपना अस्तित्व समझने लगे हो। तुम चीजों में खुशी, लोगों में प्यार, औधे में शक्ति, जगहों में शांति ढूंढ रहे हो। जितना बाहर ढूंढते हो उतना खुद को खाली महसूस करते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य अति को जा रहा है। संत महात्माएं, ऋषि मुनियों की तपस्या और पवित्रता ने सृष्टि को थमा कर रखा है। इनका तुम्हें संभालने में बहुत बड़ा योगदान है। गुरु नानक आए, तुम्हें समझाया। एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। साईं बाबा आए, क्या इशारा दिया। सबका मालिक एक। मीठे बच्चे, वो तुम्हें मुझसे जोड़ रहे थे लेकिन तुम भटकते रहे। युद्ध, मानसिक और शारीरिक बीमारियां, अकाल मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं तुम्हारे जीवन को मुश्किल बना रही हैं। संकल्प शक्ति कमजोर हो चुकी है। अब तुम विज्ञान की शक्ति पर निर्भर हो गए हो। मीठे बच्चे, तुम्हें और क्या बताऊं? तुमने अपनी स्थिति से अपनी सृष्टि को घोर कलयुग बना दिया है और खुद ही अपनी रची हुई दुनिया से परेशान हो। इसलिए अब तुम मुझे पुकार रहे हो। तुम इस पाप की दुनिया से मुक्ति चाहते हो। तुम में से कुछ बच्चे तो समझते हैं कि प्रलय हो जाएगी, लेकिन प्रलय नहीं, ये महापरिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। लाडले बच्चे, तुम्हारी सृष्टि चक्र के लगभग 5000 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी दुनिया अब और ऐसे नहीं चल सकती। घोर रात्रि के बाद सवेरा आना ही है। संसार परिवर्तन ना विज्ञान से हो सकता है ना किसी और सत्ता से। संसार परिवर्तन केवल संस्कार परिवर्तन से होता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति से ही तुम्हारी सृष्टि बनती है। मेरा तुमसे वायदा था कि जब तुम्हारी दुनिया में
अति गलानी होगी, मैं स्वयं तुम्हारी सृष्टि पर आऊंगा। मीठे बच्चे, अपने वायदे अनुसार मैं परमधाम छोड़ तुम्हारी दुनिया में आता हूं। ये सृष्टि चक्र का छोटा सा पांचवा युग है, संगम युग। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। मीठे बच्चे, आओ तुम्हें संगम युग दिखाता हूं। 1936 हैदराबाद, सिंध। दादा लेखराज सिंध के नामी ग्रामी जौहरी हैं। परिवार और व्यापार की जिम्मेदारियां संभालते हुए अपने व्यवहार और सेवा भाव के लिए समाज में प्रसिद्ध हैं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं। एक दिन दादा बनारस में हैं, वहां उन्हें एक विचित्र अनुभव होता है। उन्हें युद्ध, हिंसा, प्राकृतिक आपदाएं, बीमारी के दृश्य दिखाई देते हैं। बस करो प्रभु, अब और नहीं देखा जाता। अपना क्षमा स्वरूप दिखाओ प्रभु। दादा ने देखा विनाश के धुएं से ऊपर उड़ते हुए सितारे परमधाम जा रहे हैं। कुछ दिन बाद चाचा मूलचंद के शरीर छोड़ने पर दादा को आत्मा का साक्षात्कार होता है। दादा को वैराग्य आने लग गया है। वो समझते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है, इसलिए एकांत में ज्यादा समय बिता रहे हैं। उन्हें एक और नजारा दिखाई दिया। चमकते हुए सितारे नीचे आकर सुंदर दिव्य रूप ले रहे हैं। ये दृश्य देख खुशी से दादा के नयन गीले हो जाते हैं। उन्हें आवाज आती है, ऐसी दुनिया तुम्हें लानी है। मीठे बच्चे, दादा लेखराज को ये नहीं समझ आया कि ये दृश्य उन्हें मैं दिखा रहा हूं। कहानी तो बहुत लंबी है बच्चे, तुम्हें संक्षिप्त में दिखाता हूं। अन्य भी बहुशूर मम। दादा परिवार के साथ सत्संग में बैठे हैं और अचानक उठकर चले आए। उनकी बहू ब्रजिंद्रा उनके पीछे गई और देखा दादा गहरी सोच में है। उनके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। उनकी आंखों से तेज निकल रहा है और उनके मुख से एक अति धीमा स्वर गूंज रहा है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मीठे बच्चे, ना ब्रजेंद्रा को समझ आया ना दादा को समझ आया कि मैं ही उनके मुख द्वारा अपना परिचय दे रहा था। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें इस सृष्टि पर कर्म करने के लिए शरीर लेना पड़ता है,
इसी तरह मुझे भी तुमसे बात करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आता। मुझे सिर्फ एक मुख चाहिए तुम्हें अपनी बात समझाने के लिए। वैसे तो मैं प्रेरणा से तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन तुम्हारी शक्ति कम हो चुकी है। तुम संकल्पों की नहीं वाणी की भाषा समझते हो, इसलिए मैं दादा लेखराज के तन का आधार लेता हूं। तुम्हें अपना, तुम्हारा और समय का ज्ञान समझाने के लिए आओ, तुम्हें दिखाता हूं आगे क्या हुआ। परिवार के परिवार दादा के पास आते हैं। आते ही किसी को मेरे निराकार स्वरूप का और किसी को आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार होता है। दादा के मुख द्वारा मैं तुम्हें तुम्हारे स्वधर्म का ज्ञान देता हूं। तुम देह नहीं, तुम अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हो। तुम पवित्र आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा हो। मैं तुम्हें अपना सत्य और संपूर्ण परिचय देता हूं। मैं पवित्रता का सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान हूं। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, मैं सिर्फ कलयुग के अंत में परम धाम से आया हूं। तुम्हें पवित्र बनाने मीठे बच्चे, तुम भूल चुके हो, तुम सतयुग में थे, अब पवित्रता, ज्ञान और योग से तुम्हें सृष्टि पर पुनः सतयुग लाना है। बच्चों की याद मुझ निराकार परमात्मा से जुड़ने लग गई और बच्चे संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। सभी बच्चे मुझे प्यार से शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि मैं उनका परम पिता हूं। मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। दादा तो सिर्फ निमित्त हैं। दादा तो खुद अपनी कमी कमजोरियां खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं दादा लेखराज का नाम रखता हूं प्रजापिता ब्रह्मा, और बच्चे उन्हें ब्रह्मा बाबा बुलाते हैं। राधे बच्चों की पालना करती हैं और सब उन्हें मम्मा कहते हैं। बच्चे पवित्रता की धारणा के कारण बहुत विरोध होते हैं, बच्चियों पर अत्याचार, लेकिन मैं उनके साथ हूं, हर विघ्न को स्थिरता से पार कर रहे हैं। आज्ञा दी है, पवित्र बनने का आदेश दिया है। 14 साल की तपस्या के बाद 300 बच्चों का ये पहला संगठन 1950 में कराची से माउंट आबू राजस्थान जा रहा है। मेरे बच्चे तैयार हो गए हैं। मैंने उन्हें देश के कोने कोने में भेजना शुरू कर दिया है। हर एक को ये संदेश देना है कि मैं
निराकार परमात्मा सृष्टि पर आ चुका हूं। ज्ञान और योग के बल से सतयुग लाना है। मीठे बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए, लेकिन मेरा कार्य तो और तीव्र गति से सारे विश्व में फैलता जा रहा है। लाखों लाखों बच्चे घर गृहस्थ में रहते ज्ञान की धारणा, योग की तपस्या और पवित्रता के बल से मेरे सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जुड़ चुके हैं। मीठे बच्चे, समझ आया? ये तुम्हारी कहानी है। तुम ही सतयुग में थे, तुम ही त्रेता युग में आए, फिर द्वापर युग में पहुंचे, अब घोर कलयुग में हो। जिस कलयुग से तुम परेशान हो, वो किसने बनाया? तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह के संस्कारों ने बनाया। जिस नई दुनिया का तुम इंतजार कर रहे हो, वो कौन बनाएगा? तुम ही तो बनाओगे। क्या सोच रहे हो बच्चे? द्वापर युग से तुम कहते आए कि जब धर्म की अति ग्लानी होगी तो परम धाम से मैं आऊंगा। मैं आया हूं सतयुगी संस्कार बनाने का ज्ञान और शक्ति देने। ये मत सोचना सतयुग बहुत दूर है। सतयुग तो बस आया कि आया। एक तरफ मेरे ढेर बच्चे अपने विकारों वश इस कलयुग को अति में लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे थोड़े से बच्चे घर गृहस्थी में रहते हुए ज्ञान और योग से सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। मीठे बच्चे, अब निर्णय तुम्हारा है, तुम किस तरफ हो। निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने मन को शांत और शक्तिशाली बनाने के लिए सीखिए राजयोग मेडिटेशन। 7 दिन सिर्फ 1 घंटा रोज। आप ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर पर
राजयोग निशुल्क सीख सकते हैं। अपने नजदीकी सेंटर का एड्रेस जानने के लिए या मेडिटेशन ऑनलाइन सीखने के लिए आप हमें ईमेल करें contact@awakeningtv.in या कॉल करें 8209333033 या 8209888988 पर।